दोस्तों अभी मेरे पास बुलबुल शॉप की तरफ से आने वाला 5 पावर बैंक, और यहाँ पर ये जो पावर बैंक है वो ब्रांड न्यू है दोस्तों। यहाँ पर मैंने पूरे पावर बैंक को आपके सामने रख दिया है। अनबॉक्सिंग वगैरह मैं यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका जो टाइम है वो ज़्यादा वेस्ट हो। तो यहाँ पर सीधे मैं आपको पावर बैंक शो कर देता हूँ, और एक एक करके मैं इन 5ों पावर बैंक की पूरी डिटेल आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, और यहाँ पर ये भी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि आप इस पावर बैंक को कहाँ से खरीद सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले पावर बैंक से। हम 5ों पावर बैंक को करते हैं साइड में। दोस्तों यहाँ पर 5ों पावर बैंक को हम कर देते हैं साइड में। पहले हम देखते हैं पहले पावर बैंक को। दोस्तों यहाँ पर ये जो पावर बैंक है वो आता है बुलबुल शॉप की तरफ से, और सबसे हाईलाइटिंग फीचर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ, ये जो पावर बैंक है वो एक मेड इन इंडिया पावर बैंक है। आप यहाँ पर लोगो भी देख सकते हैं, आप यहाँ पर ब्रांडिंग देख सकते हैं, मेड इन इंडिया पावर बैंक है ये। और यहाँ पर ये जो पावर बैंक है वो आपको 10,000 mAh का पावर बैंक देखने के लिए मिलता है, और इससे आप अपने स्मार्टफोन वगैरह को काफ़ी अच्छे तरीके से चार्ज कर पाएंगे। यहाँ पर अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी मजबूत है, और यहाँ पर आपको इस पावर बैंक को चार्ज करने के लिए जो पोर्ट है वो देखने के लिए मिल जाता है, और यहां पर आपको आउटपुट पोर्ट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। ये एक इमरजेंसी लाइट दी गई है, 2 स्मार्टफोन्स वगैरह को आप एक साथ ही यहां पर चार्ज कर पाएंगे। इस साइड आपको यहां पर पावर बटन दी जाती है, और दोस्तों फ्रंट के साइड में आपको यहां पर एक डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है। जैसे ही आप इस पावर बटन को प्रेस करते हैं, आपके बैटरी की जो परसेंटेज है वो यहां पर आपको शो करने लगेगा कि आपकी जो बैटरी है वो कितने परसेंट अभी चार्ज है। तो ये काफी अच्छा है, और इस पावर बैंक को एक काफी अच्छा लुक भी यहां पर देता है। तो ये जो पावर बैंक है वो काफी अच्छा लगा मुझे, अगर आप चाहें तो इसे जाकर के खरीद सकते हैं। उसके साथ बॉक्स में ही आपको यहां पर एक जो चार्जिंग केबल है वो देखने के लिए मिल जाती है। अब मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं कि मैंने इन पावर बैंक को कहां से खरीदा है। दोस्तों ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने खरीदे हैं बुलबुल ऐप से। बुलबुल जो ऐप है वो एक मेड इन इंडिया ऐप है, और यहां पर दोस्तों आपको प्रोडक्ट को खरीदने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको बुलबुल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको सिंपली यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाने के बाद आपको सिंपली यहां पर ऑडियो वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, और इसके बाद जितने भी ब्लूटूथ स्पीकर हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सभी चीजें आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएंगी। यहां से आप ईयरबड्स, ईयरफोन सारी चीजें खरीद सकते हैं। तो लिंक नीचे दे दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और यहां पर जो भी चीजें चाहे आप परचेज कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर अब बात आती है दूसरे पावर बैंक की। दूसरा जो पावर बैंक है वो आता है यहां पर बुलबुल शॉप की तरफ से, और ये जो पावर बैंक है वो है मी पावर बैंक 2i, शाओमी का पावर बैंक है ये, और ये एक 10,000 mAh का पावर बैंक है। यहां पर दोस्तों आपको फास्ट चार्जिंग और नॉर्मल चार्जिंग दोनों का ही जो सपोर्ट है वो देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपका जो स्मार्टफोन है वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है तो आप फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं। 18 वाट की फास्ट चार्जिंग आउटपुट आपको यहां पर देखने के लिए मिलती है। उसके साथ यहां पर आपको नॉर्मल भी जो पोर्ट है वो देखने के लिए मिलता है। यहां पर आपको एक पावर बटन देखने के लिए मिल जाती है, और यहां पर आपको इस पावर बैंक को चार्ज करने के लिए इसका पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। ये आपको 5 बैटरी इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे ही आप इस पे प्रेस करते हैं, यहां पर आपको बैटरी परसेंटेज शो होने लगता है, जिससे दोस्तों आपको पता चल पाएगा कि आपका जो पावर बैंक है वो कितना चार्ज है। तो ये पावर बैंक एक काफी अच्छा पावर बैंक है, और इसका वेट भी उतना ज्यादा नहीं है। दोस्तों इजिली आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी आप इसे अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो आप इसे लेकर के जा सकते हैं। इसका जो लुक है वो भी काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है। हैंड में जब आप इसे पकड़ेंगे तो काफी अच्छी फीलिंग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। तो ये जो पावर बैंक है वो भी मुझे काफी अच्छा लगा। अगर आपको परचेस करना है तो आप जाकर इसे ले सकते हैं। इस पावर बैंक के साथ में भी आपको यहाँ पर जो चार्जिंग केबल है वो देखने के लिए मिल जाती है। दोस्तों बात करूं अगले पावर बैंक के बारे में, तो ये जितने भी पावर बैंक मैंने 5ों आपको दिखाए, उनमें सबसे पावरफुल पावर बैंक ये है। ये भी एक मेड इन इंडिया पावर बैंक है, और यहाँ पर ये एक 20,000 mAh का जो पावर बैंक है वो आपको देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले आप इसकी डिजाइनिंग को देखिए। दोस्तों यहाँ पर इस पावर बैंक में फ्रंट के साइड में आपको यहाँ पर एक सिल्वर टाइप की जो फिनिशिंग है वो देखने के लिए मिलती है, और ये काफी हार्ड मटेरियल से बनाया गया है, जिससे ये जल्दी ही ना तो डैमेज होता है, अगर गिरने पे भी ये जो पावर बैंक है जल्दी खराब नहीं होता है। और दोस्तों इस पावर बैंक में भी आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। आप यहां पर साइन देख सकते होंगे, दोस्तों यहां पर डबल चार्जिंग सिंबल दिया गया है, यानी ये फास्ट चार्जर का पोर्ट है, और यहां पर सिंगल है यानी ये नॉर्मल पोर्ट है। और यहां पर इस पावर बैंक को चार्ज करने के लिए आपको जो पोर्ट है वो देखने के लिए मिल जाता है। ये सिंपली यहां पर एक पावर बटन दी गई है जिससे आप इसे ऑन कर सकते हैं। ऑन करने के बाद में यहां पर आपको बैटरी परसेंटेज देखने के लिए मिलता है, आपकी जो बैटरी है पावर बैंक की वो कितनी चार्ज है आपको यहां से पता चल जाएगा। और ये काफी लाइट वेट भी है, और यहां पर इसमें एक लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है, जिससे आप इस पावर बैंक को आसानी से चार्ज कर सकते हैं, और चार्ज करने के बाद में इससे एनर्जी आउटपुट ले सकते हैं। और इस पावर बैंक के साथ में भी आपको यहां पर ये जो चार्जिंग केबल है वो देखने के लिए मिलती है, जिससे आप आसानी से इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो पावर बैंक है काफी अच्छा लगा मुझे, अगर आपको परचेस करना है जाकर के कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो पावर बैंक हमारे सामने निकल कर आता है वो निकल कर आता है बुलबुल शॉप की ही तरफ से, और यहां पर सबसे पहले आपको एक डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। ये जो डिस्प्ले है वो मुझे काफी अच्छी लगी। यहां पर सिंपली हम इसके पावर बटन को जैसे ही प्रेस करते हैं, यहां पर आपको बैटरी परसेंटेज शो होना स्टार्ट हो जाता है कि आपकी जो पावर बैंक की बैटरी है वो कितनी
दुनिया तक चार्ज है, और ये अगर आप इसे कहीं भी पर भी लेकर के जाते हैं तो ये काफ़ी अच्छा लुक आपके पावर बैंक को देता है। उसके साथ दोस्तों फ्रंट यहाँ पर अगर हम बात करें ऊपर के साइड, तो ऊपर के साइड में आपको यहाँ पर दो इमरजेंसी लाइट देखने के लिए मिल जाती है, एक इस साइड और एक इस साइड। यहाँ पर आपको दो पोर्ट्स देखने के लिए मिलते हैं, ये इन दोनों पोर्ट से आप एक साथ ही दो फोन वगैरह को चार्ज कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पर आपको आपके पावर बैंक को चार्ज करने के लिए एक जो पोर्ट है वो देखने के लिए मिलता है। दोस्तों ये भी एक फास्ट पावर बैंक है। दोस्तों इस पावर बैंक में भी आपको फास्ट चार्जिंग का जो सपोर्ट है वो देखने के लिए मिलता है। आप यहाँ पर देख सकते होंगे डबल चार्जिंग का जो सिंबल है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ये जो पोर्ट है वो फास्ट चार्जिंग का है और ये जो पोर्ट है वो नॉर्मल चार्जिंग का है। और इसका जो डिजाइनिंग है, इसका जो वेट है वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इस पावर बैंक को लेकर के जा सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ भी आपको यहाँ पर ये जो केबल है वो देखने के लिए मिल जाती है। दोस्तों बात करूँ लास्ट पावर बैंक के बारे में, तो यहाँ पर ये जो पावर बैंक है वो भी एक मेड इन इंडिया पावर बैंक है और ये एक 6000 mAh का पावर बैंक है। सबसे पहले आप इसके शेप एंड साइज को देखिए, काफ़ी ये छोटा है और ये काफ़ी हैवी भी नहीं है, काफ़ी वजनी भी नहीं है। आप कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप इसे इजीली ले जा सकते हैं। और दोस्तों इस पावर बैंक में आपको सिर्फ और सिर्फ एक पोर्ट ही यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जिससे आप यहाँ पर अपने फ़ोन वगैरह को चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको पावर बटन देखने के लिए मिलती है, जैसे आप इसे प्रेस करते हैं यहाँ पर आपको लाइटें देखने के लिए मिलती हैं। बैटरी इंडिकेटर्स हैं ये, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी जो बैटरी है वो कितनी चार्ज है। यहाँ पर पावर बैंक को चार्ज करने के लिए जो पोर्ट है वो देखने के लिए मिल जाता है। तो ये जो पावर बैंक है वो भी काफ़ी अच्छा है। इसके साथ में भी आपको यहाँ पर ये जो चार्जिंग केबल है वो देखने के लिए मिलती है, जिससे आप पावर बैंक को और अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर पाएंगे। तो ये जो पावर बैंक है वो भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अगर आप परचेस करना चाहते होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, तो आप बुलबुल शॉप के लिंक पे जाकर के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, क्लिक करके आप इसे परचेस कर सकते हैं। अब आपको इस पावर बैंक में से, पूरे पावर बैंक में से कौन सा पावर बैंक काफ़ी अच्छा लगा, जरूर से अपना ओपिनियन मुझे यहाँ पर कमेंट करके बता दीजिएगा। अब फाइनल दोस्तों ये था इस वीडियो में, आशा करता हूँ थोड़ी जानकारी समय आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बटन प्रेस कर लीजिएगा।